गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग उठ गए और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। जैसे कि पीछे आपको दिख रहा होगा सनराइज हो चुका है और अभी हमको उठे 10-15 मिनट ही हुए। सभी यहाँ से चाय पी के निकलेंगे आगे काली माता मंदिर के लिए। तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा और रात को बहुत ही अच्छे से नींद आ गई और अंकल ने हमको 2 खटिया दे दी थी और रात को हम लोग 12 बजे सो गए थे। खाना भी अंकल ने रात को खा लिया था। यहाँ से फेस वॉश वो सब कर लिया है और निकलते हैं आगे करनी माता जाके हम नहाना धोना जो भी करना है वो करेंगे। यह मेरी गाड़ी खड़ी है और BRS होटल एंड रेस्टोरेंट। ये वाला है मेन रोड वाला है जामनगर अमृतसर वाला हाईवे। खाली चाय पीनी है और चाय पी के निकलेंगे आगे। तो मिलते हैं आपको डायरेक्टली रोड पे। यहाँ से जो देशनोक का डिस्टेंस दिखा रहा है वो है 130 किलोमीटर और 2 घंटे लगने वाले हमें वहाँ पहुँचने में। तो फिलहाल अभी कुछ है नहीं, एक्सप्रेस हाईवे है। आपको हाईवे के नज़ारे दिखाऊंगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ये हाईवे पे जा रहे हैं। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो आ जाएगा हाईवे, ये वाला ऊपर वाला जो दिख रहा है अभी, उस पर हम चढ़ जाएंगे अभी। टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने गाड़ी हाईवे करने खड़ी कर दी क्योंकि हम लोगों को ये फैसिलिटी दी गई, वॉशरूम फैसिलिटी। तो बस हम लोग ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे ही नहाने धोने का और ब्रश वो सब कर लेते हैं और फ्रेश हो जाएंगे। फिर आगे जाके हमको रूम नहीं लेना पड़ेगा और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो हम लोग लेडीज़ टॉयलेट वाले उसमें ब्लॉक में आ गए क्योंकि ये नीट एंड क्लीन था, वो थोड़ा गंदा हो रखा था। और ऐसे भी हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी अंकल ने नहाना धोना कर लिया है तो बाहर खड़े रहेंगे और मैं अंदर नहाना धोना कर लूँगा। अभी टाइम हो रहा है 8:15 और हम लोग 7:30 बजे वहाँ से निकले थे। तो करीब करीब 1.25 घंटा हमको लग गया यहाँ पे फ्रेश होने में और यहाँ से अमृतसर है 627, बीकानेर 132 और जामनगर है 644 किलोमीटर, 154। तो हमको जाना है बीकानेर। नहाना धोना करे तो बहुत ही फ्रेश लग रहा है अभी, और अभी धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही है। यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया बनाया हुआ है, अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, खुला नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ सर्विस नहीं मिलेगी, बंद रहा है। देखो अभी तो मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है भैया। ये रॉन्ग साइड क्यों आ रहा है? तो यहाँ से हम एग्जिट हो गए अभी। यहाँ से हमको ये फ्लाईओवर नहीं चढ़ना है, नीचे उतर के फिर देशनोक गांव में जाना है, वहाँ पे आएगा करणी माँ का मंदिर। अभी हम लोग आ गए देशनोक करणी माता मंदिर पे और हम लोग पीछे के साइड आए, यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी रखी है। यहाँ से मेन गेट जाता है ये वाला मंदिर के लिए। तो पहले हम आए थे तो हमने
इस साइड जो धर्मशाला है रहने के लिए गेस्ट हाउस है वहाँ पे हमने रूम लिया था। तो पहले मैं यहाँ पे 4 बार आ चुका हूँ, आज भीड़ कम है। ये धर्मशाला रहने के लिए कई प्राइवेट गेस्ट हाउस भी है और ये मार्केट है छोटा सा। यहाँ मार्केट है, उस साइड भी है, उस साइड पूरे खाने पीने के लिए भी है स्टॉल्स सारे। यहाँ करनी म्यूजियम है, यहाँ भी दर्शन करने के बाद हम जाएंगे और वहाँ जूते चप्पल रखने का स्टैंड है, बाहर भी आप रख सकते हो ऐसे। चलो नन काका, तो सबसे पहले दर्शन करके आते हैं, फिर आपको यहाँ के चूहे जिसे काबा कहते हैं वो दिखाएंगे। मंदिर में काबों का ध्यान रखते हुए पांव घसीटते हुए चले, देखो मंदिर परिसर के अंदर भी है, तो आप यहाँ पे आराम से चलना या प्रतीत हुए ताकि आपके पैर के नीचे ना आ जाए। ये पूरा मंदिर के अंदर का परिसर है, यहाँ सारे बहुत सारे काबा है चूहे, देखो। इसे माता जी के जो करणिमा है उनके वंशज भी कहते हैं। अभी अंदर आते थे तो अगर आपको अंदर जाके दर्शन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अनगिनत चूहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर बोला मंदिर प्रशासन ने यहाँ जाली वाला शेड लगाया ताकि ऊपर से कोई ईगल या और कोई पक्षी यहाँ पे चूहों पे अटैक ना करे। और सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आया था 2011 या 10 में, तभी मैं अपनी पुरानी वाली स्विफ्ट लेके आया था, स्विफ्ट डिजायर। तो ये गुंबद नहीं था, तो पहले ये वाला पार्ट पूरा ओपन था हम जब ही आते थे पहले, अभी ये पूरा बंद कर दिया है, देखो। तो यहाँ मंदिर परिसर के अंदर ही कुछ और मंदिर भी है, जैसे कि मनु बाईसा मंदिर हो गया, छोटे छोटे मंदिर है। तो जिस गिनती से और जिस हिसाब से यहाँ पे चूहे हैं उस हिसाब से स्वच्छता भी बहुत ही बढ़िया है, स्वच्छता रखने का उन्होंने बहुत ट्राई किया है मंदिर पर प्रशासन ने। आवट माता मंदिर, तो ये मंदिर के बारे में कुछ सूचना है। तो मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात को 10 बजे बंद होता है। तो अभी थोड़ा फोटो क्लिक करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। ये मंदिर और माता जी का इतना सत है
कि एक भी चूहे आपको बाहर घूमते हुए नहीं दिखेंगे। देखो सारे मंदिर के ये मेन गेट है, उसके अंदर ही दिखने मिलेंगे आपको, इतना ये मंदिर का सत है। तो अभी मैं आपको यहाँ का बाहर का मार्केट बताता हूँ और करनी म्यूज़ियम जाएंगे। और पहले ये कुछ बाउंड्री वॉल ये सब नहीं था, फेंसिंग पहले पूरा ओपन था, खाली ये रेलिंग थी। तो हम डायरेक्टली पूरे ये फोर्ट का फोटो हम कैप्चर कर सकते थे। तो ये वहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, बाहर के साइड भी मार्केट है, यहाँ पे कई सारे खाने पीने के स्टॉल्स है, बाहर भी है। और ये आपको खिलौना या कुछ घर के लिए शॉपिंग करना है तो यहाँ पे यहाँ से कर सकते हो। यहाँ लंगर भी लगता है और लंगर का समय है लिखा हुआ है, देख लेना। तो ये श्री करणी मंदिर के बारे में कुछ हिस्ट्री है, और वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पे भी है, मन लगा था थोड़ी बद्दू नव बना है, वो लगे अब नॉन नॉनी रूम होती है ऐसे मन लगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं देशनोक से, और आज भीड़ कम थी तो अच्छे से दर्शन हो गए। और ये मेरा फिफ्थ टाइम था जो मैं यहाँ पे देशनोक आया हूँ करनी माँ के दर्शन करने। यहाँ से हम आगे जाएंगे अमृतसर के लिए, तो अमृतसर जामनगर अमृतसर वाला ही रोड पकड़ेंगे जो शायद गूगल मैप में दिखा रहा है बठिंडा तक बना हुआ है, बठिंडा या उससे आगे कुछ मंडी करके एक जगह है, मंडी डब वाली करके एक जगह है, वहाँ से हमको एक्सप्रेस वे से एग्जिट होना है और वहाँ से फिर आएगा बठिंडा अमृतसर वाला हाईवे। तो देखते हैं अभी, और यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है 530 किलोमीटर और 7 hours 47 minutes। तो हम रात को ही पहुँचेंगे 9 या 10 बजे। तो हम करीब 100-150 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहे हैं कंटिन्यूस। अभी मेरी गाड़ी की स्पीड है 80, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है 21.2 और एसी अभी चालू है। बठिंडा है 182 किलोमीटर। तो यहाँ आप अगर किसी भी साइड से चढ़ते हो, बीकानेर साइड, देशनोक साइड या जोधपुर साइड से कहाँ से भी आते हो, तो आप डीजल पेट्रोल फुल करवा के आना, क्योंकि यहाँ बीच में जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया है वहाँ पे अभी कुछ रेडी हुआ नहीं है। अभी हम लोग जामनगर अमृतसर वाले एक्सप्रेस वे से नीचे उतर गए क्योंकि यहाँ डबावली से आगे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चालू है, तो हम आगे नहीं जा सकते। तो डबावली होके फिर हम जाएंगे बठिंडा, बठिंडा से फिर हाईवे आएगा, फिर आएगा अमृतसर, ठीक है।
तो दोस्तों ये बठिंडा सिटी हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम लोग आ गए अमृतसर फाइनली, और अभी बज रहे रात के 10 बजे भाई, रात के 10। तो हम लोग एक्चुअली 6:30 बजे आ जाते, और यहाँ से स्ट्रेट है गोल्डन टेंपल। ये पीछे वाला भैया बहुत हॉर्न बजा रहा है, ये स्विफ्ट वाला। डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के पार्किंग में जाएंगे, और सबसे पहले हम ढूंढेंगे रूम, और रूम ढूंढ के आज थोड़ा जल्दी सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे। अभी हम लोग आ गए यहाँ अमृतसर में, और हमने यहाँ गोल्डन टेम्पल के पास ही जो पार्किंग का बिल्डिंग है वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है, और अभी बजे रात के 11:30। तो खाना बना खा के हम आ गए, सबसे पहले हमने होटल ढूंढी, होटल में हमने रूम ले लिया है, और हम लोग 10:30 बजे हम लोग ने गाड़ी पार्क करके निकल गए थे खाना खाने, डायरेक्टली आ गए थे रूम पर। तो फिलहाल बस अभी के लिए इतना ही है, और अभी हम रात को गोल्डन टेम्पल अंदर मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, बस आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट।